एक बार फिर से मेरा न्यू यूट्यूब चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ई शिक्षा कोर्स पर अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है और इसमें अपना सैलरी डिटेल्स, अन्य सारी जो जानकारी है कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टीचर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड और इसको गुना करके इसमें कैप्चा फिल कर देंगे। इसके बाद हम आगे आएंगे, आगे नया इंटरफेस खुलेगा तो इसको हम फिल करके लॉगिन कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है और इसके बाद हम डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर टीचर हम सेलेक्ट करेंगे और टीचर सेलेक्ट करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थ्री डॉट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो फिर एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर टीचर रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर इसको हटाने के लिए फिर इसी पर हम क्लिक कर देंगे। यह मेरा पूरा फाइल खुल चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़िला का कोड दिया हुआ है और ज़िला का नाम है, प्रखंड का कोड दिया हुआ है, संकुल का नाम है कोड है और विद्यालय का नाम और कोड है और यहाँ पर आपका पूरे डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट का है, तो प्रोफाइल अपडेट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमको सैलरी डिटेल्स में भरना है तो यहाँ पर ये देख रहे हैं वेतन विवरणी, सेवा इतिहास, अन्य जानकारियाँ अद्यतन करें और विवरणी देखें, इसको सभी को तीनों कॉलम को आपको पूरा करना है। तो हम सैलरी डिटेल्स पहले भर लेंगे, इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपका शुरुआती कितना पेमेंट मिला है और अभी कितना मिल रहा है, यह आपको सारी डिटेल्स किस बैंक से मिलता है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, सारा डिटेल्स इसमें आपको फिल करना है। जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसका पत्रांक और दिनांक भी डालना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक किए, एक नया इंटरफेस खुला यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर हम एड जोड़े पर क्लिक करेंगे, ऐड पर, और इस पर क्लिक करेंगे, एक फिर नया पेज ओपन होगा, इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर यस जैसे ही हम क्लिक करेंगे यह आपको पूरा आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें आपका जो स्टार्टिंग पेमेंट था वह इसमें भराएगा, उसके बाद अभी मूल वेतन जो आपका है वह भराएगा, नियुक्ति का पत्र संख्या और उसका पत्रांक दिनांक दोनों भर आएगा, किस डेट में आपका ज्वाइनिंग है ये भी रहेगा, उसके बाद यूएनए नंबर दर्ज करना है और उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया पर आपको सेलेक्ट करना है। तो फिर से आप एक नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम देना है, शाखा का नाम देना है, बैंक का खाता संख्या देना है, आईएफएससी कोड देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है, आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन को खोलेंगे और दूसरे ऑप्शन के लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, उस देख कर आप उस वीडियो को देख कर आप अपना प्रोफाइल अपडेट क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बनाए रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।